अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक 3 सदस्य कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। मैंने और मेरे कुछ विधायक साथियों ने कुछ इश्यूज को रेज किया था और मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया जो मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट और संगठन के लिए बहुत ज़रूरी थे। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष, ग्लानी या दुर्भावना की कोई स्थान नहीं है और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए और किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज की बात है। हम लोगों ने जो मान सम्मान, रिस्पेक्ट, स्पेस, रिगार्ड जो होना चाहिए कार्यकर्ताओं का, हम सब लोगों का, उसको लेकर इश्यूज रेज किए थे और जिन मुद्दों पर हम चुनाव जीत कर आए। मुझे सौभाग्य रहा 6.5 साल मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहकर काम मैंने किया प्रदेश के अंदर और जिन 5 साल हम विपक्ष में रहे, जब कांग्रेस पार्टी का संख्या बल मात्र 21 रह गया था 200 में से 2013 में, तब उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं पार्टी को पुनर्जीवित करूं। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा सरकार बनने के बाद, उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाएं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था, लेकिन 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके और मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रोमिसज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस दिशा को बदलने की ज़रूरत थी। फंक्शनिंग गवर्नेंस, डिलीवरी ऑन प्रोमिसज, ये सब इशूज को लेकर हमने कहा सरकार निर्माण करने के बाद अगर हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो मान सम्मान और जगह नहीं मिल रही काम और ऑपरेट करने की, तो उस पीड़ा को बताने का एक फोरम होता है, उसका हमने इस्तेमाल किया। और कल जब प्रियंका जी और राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, इन सब बातों को हमने रखा, इसके अलावा कुछ और इश्यूज थे, उन सब को उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे आश्वस्त किया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, समयबद्ध तरीके से इन सभी इश्यूज को टेकअप कर इसका निराकरण किया जाएगा ताकि हम पब्लिक के सामने दोबारा जब 3 साल के बाद जाएं तो दोबारा मैंडेट हासिल कर सकें। हम सब ने जो कहा पार्टी आलाकमान के सामने कहा है, पार्टी ने इस बात को सुना है, संज्ञान लिया है, रोड मैप तैयार किया है सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। मैंने कोई मांग नहीं रखी है, ना पद की ना पोस्ट की। जब जब पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी से उस काम को निभाया है। आगे भी जो काम पार्टी देगी मैं करने को तैयार हूँ।